आदिवासियों को लेकर मध्य प्रदेश में जारी सियासत पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी बयान दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासियों को रिझाने का प्रयास कर रही है। आदिवासी वोट बैंक के लिए हबीबगंज का नाम अटल जी की जगह रानी कमलापति के नाम पर रखा, लेकिन आदिवासी अब बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाले। वहीं कांग्रेस की एकजुटता को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस में एकजुटता रहेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी हमारे साथ में। सर, कमला जी का जन्मदिन है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, एक संदेश भी कहीं ना कहीं में विपक्षी दल को मिलता है किस तरीके से एकजुटता कांग्रेस ने दिखाई है। आगामी दिनों में जब चुनाव होंगे, आगे इन समय में चुनाव होंगे, तो ये एकजुटता चुनाव में भी नजर आएगी? नहीं, देखिए कांग्रेस का चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, वो मानसिक रूप से इस बात को स्वीकार कर चुका है कि हमें 2023 का चुनाव माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही लड़ना है, क्योंकि 2018 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया और विजय श्री कांग्रेस ने प्राप्त की थी, छल कपट से सरकार गई वो अलग चीज़ है। तो मध्य प्रदेश की जनता ने 1.25 साल के अंदर जो कमलनाथ जी की वर्किंग देखी है, जनता समझ गई कि एक बड़ा राजनेता जिसने दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्री का कार्यभार संभाला, वो सारा निचोड़ उन्होंने मध्य प्रदेश में ला के दिया और एक बहुत ही सुचितापूर्ण राजनीति जो कमलनाथ ने की उस पे विश्वास आम जनता का है। तो निश्चित रूप से सारे नेता जो कहीं भी जुड़े हों वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक झंडे के नीचे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचे थे, बड़े कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अब कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसकी तैयारी कर रही है, इस तरीके से रणनीति तय कर रही है। 24 को एक बैठक है, उसके पहले 23 को महिला मोर्चा की बैठक कमलनाथ जी लेने वाले, क्या मानते हैं उस बैठक में किस तरीके की रणनीति जो है वो तय की जा सकती? नहीं देखिए, हमें चिंता नहीं है कि बड़ा समागम, बड़ा सम्मेलन आदिवासी भाई बहनों को उन्हीं के खर्चे पे, आदिवासी भाई बहनों के खुद का पैसा था, वो उनके विकास की राशि थी। यदि आपको कार्यक्रम करना था शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ अपने बजट में प्रावधान करते, आपने 100-200 करोड़ रुपए वो आदिवासी मत का पैसा जो उनके विकास पे खर्च होना था उसी खुद उन्हीं की टोपी उनके सर पहना दी। हमें उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी रही है और आदिवासी कोई भी जिला हो आज भी इंदिरा जी को अपनी माँ स्वरूपा मानता है। और हाँ, भाजपा को चिंता इसलिए कि हमारी जो सरकार बनी थी अभी 2018 में अधिकतम आदिवासी विधायक हमारे जीत के आए थे और उन्हीं की मदद से सरकार बनी थी। आदिवासी भाई बहन समझ रहे हैं कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पे क्यों किया गया। उसी रानी कमलापति का किला बुधनी विधानसभा, जो शिवराज चौहान कई सालों से वहाँ राज कर रहे हैं, वहाँ का गिन्नौर गांव है, वहाँ पे रानी कमलापति का किला बना हुआ है, आज खंडहर में तब्दील हो गया, अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। कभी शिवराज चौहान खुद की विधानसभा में उस किले को देखने नहीं गए, उसको सजाने संवारने काम नहीं किया, लेकिन आदिवासी वोट चाहिए तो हबीबगंज का नाम बदल के रानी कमलापति कर दिया। यही वो शिवराज है जिसने आज से 3 साल पहले कहा था कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करेंगे। तो ये अपने पुरोधाओं को कहाँ कचरे में फेंकते हैं, भगवान ही मालिक है। मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, अटल बिहारी, तो आदिवासी समझता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे करने वाला रानी कमलापति के नाम पे क्यों किया गया, ये हमारे वोट को झपटना चाहते हैं। तो आदिवासी भाई बहन इनके झांसे में आने वाले नहीं। बिल्कुल, आदिवासी भाई बहन देखिए इनके झांसे में नहीं आने वाले, यही कहना है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का। जिस तरीके से तमाम सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं, ये भी कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी की ये रणनीति पूरी है कि आदिवासियों के वोट किस तरीके से लिए जाए, इसको लेकर नाम बदलने की रणनीति जो है वो लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ दुष्यंत पारासर, अनादि टीवी, भोपाल।